दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला Vue की सिनेमा टीवी जो रिसेंटली लॉन्च हुई 2020 में, उसको कंपेयर करेंगे Vue के प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज 2020 वाले से। इसी के साथ ही साथ TCL की C8 सीरीज को भी कंपेयर करेंगे इन्हीं दोनों टीवियों के साथ। देखते हैं कौन सी टीवी अच्छा परफॉर्म करती है, कौन सा टीवी का जो वैल्यू फॉर मनी है, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी, तो इस वीडियो को मिस मत करना और स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। और उसके पहले हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजा करना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तीनों टीवी को कंपेयर करने के पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे ये जो तीनों टीवी है उसमें सेम चीज क्या है, मतलब आपको सेम चीज आपको हर ब्रांड में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा ये जो तीन की तीनों टीवी है उसमें आपको 4K का रेजोल्यूशन देखने मिलेगा, मतलब ये तीन की तीनों जो टीवियां हैं वो 4K टीवी है। इसी के साथ साथ 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रेफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। तीन की तीनों टीवी में आपको ब्लूटूथ दिया गया है 5.0 वाला। और बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट प्रोवाइडर में बोलते ना माइनस पॉइंट में नहीं जा रही कोई भी टीवी, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों के तीनों टीवियों में अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है। आपको इसी टीवी में प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे पोर्ट्स भी लगभग सेम ही दिए गए। यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, इसी के साथ 3.5 mm का जैक, ये सारी पोर्ट्स आपको तीन के तीनों टीवी में देखने मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी तीनों की तीनों टीवी का सेम है, जहां पे आपको एंड्रॉइड 9 आपको Vue प्रीमियम में भी देखने मिल जाएगा, Vue सिनेमा में भी, और इसी के साथ साथ TCL C8 की सीरीज में देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ क्रोमकास्ट भी आपको बिल्ट इन मिलता है तीनों ही टीवियों में। आप यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो तीनों टीवी है उसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिफरेंस मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे वेरिएंट और उसके प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर Vue के जो सिनेमा जो टीवी है 2020 वाली, उसमें आपको तीन वेरिएंट देखने मिलेंगे, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच, ये तीन वेरिएंट आपको देखने मिलेंगे Vue सिनेमा में। दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे Vue प्रीमियम में, तो वहां पे भी आपको तीन वेरिएंट देखने मिलेंगे। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे वेरिएंट के TCL के C8 में, तो वहां पे आपको सिर्फ दो ही वेरिएंट देखने मिलते हैं, जो कि एक 55 इंच वाला और एक 65 इंच वाला। आप यहाँ पे बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो Vue की सिनेमा टीवी है वहां पे उसका जो प्राइसिंग रखा है 43 इंच का 30,000 रुपए के आसपास, और जो दूसरा टीवी है 50 इंच का वहां पे आपको प्राइसिंग देखने मिलेगी 34,000 रुपीज की। फ्लिपकार्ट पे सारे के सारे टीवी अवेलेबल है। इसी के साथ ही साथ जो 55 इंच वाला वेरियंट है वो आपको मिल रहा है 42,000 रुपीज का Vue सिनेमा वाला। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इसको Vue की जो Vue सिनेमा टीवी है इसको अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइसिंग के मामले में Vue के प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज से, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा प्राइसिंग बहुत अच्छी है। और इस समय वो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है, प्राइस बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मार्च के महीने में तो प्राइसिंग सेम रहेगी, लेकिन अगर मार्च के बाद अगर आप टीवी का प्राइस कंपेयर करोगे तो प्राइस डिफरेंस देखने मिलेगा। तो बात करें यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्राइस के बारे में जो Vue प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में आपको देखने मिलेगी 2020 की, तो यहाँ पे 43 इंच वाली जो टीवी है उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 25,000 रुपए, मतलब 43 इंच वाली टीवी आपको 25,000 रुपए की मिल रही है। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे 50 इंच वाले, तो वो आपको मिल रही है 27,000 रुपए के आसपास, और जो तीसरा जो वेरिएंट है 55 इंच वाला वो आपको मिल रहा है 32,000 रुपीज का। मतलब प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है, मुझे मत पता है कि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब ये कुछ दिनों में डेफिनेटली चेंज होना। तो अगर आप प्लान कर रहे हो टीवी लेने का, तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट पे मतलब आपको मिल जाएगा और अच्छा आप यहाँ पे पैसे सेव करोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे TCL के C8 सीरीज के प्राइसिंग के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने मिलेंगे 65 और 55 इंच वाले, तो यहाँ पे जो 55 इंच वाली टीवी है उसका प्राइसिंग है 50,000 रुपए, और यहाँ पे जो 65 इंच वाली टीवी है उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 55 से 60,000 रुपीज के बीच में। दोस्तों यहाँ पे बात होगी यहाँ पे टीवी के प्राइस और उसके साइज के बारे में। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते और स्पेसिफिकेशन को मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो Vue की जो सिनेमा टीवी है उसमें आपको 500 nits की ब्राइटनेस देखने मिलती है। दूसरी तरफ बात करूँ यहाँ पे Vue के प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज 2020 वाले, तो वहां पे आपको 400 nits की ब्राइटनेस देखने मिलती है। अब ये दोनों को हम आगे लेके जाते हैं TCL से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको 350 nits की ब्राइटनेस देखने मिलती है, तो यहाँ पे TCL की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। अब यहाँ पे बात करें साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा देखो भाई Vue की जो सिनेमा टीवी है उसमें आपको मिल रहा है 40 वॉट का साउंड आउटपुट, उसी के साथ उसमें 2-4 स्पीकर लगे हुए, 2 मास्टर और 2 ट्वीटर्स। और दूसरी तरफ बात करूं Vue की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में, तो वहां पे आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे TCL के C8 सीरीज के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 24
वॉट का साउंड आउटपुट दिखने मिलेगा, और जो स्पीकर लगाए गए हैं वहां पे वो ऑनक्यो के लगाए गए। ऑनक्यो एक जैपनीज ब्रांड है, और यहाँ पे 24 वॉट थोड़ा कम है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ वीवो के सिनेमा और प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज से, लेकिन जो साउंड फील है या फिर जो आवाज है लगभग सेम ही है। मतलब आपको फील नहीं होगा कि भाई मुझे यहाँ पे 40 वॉट या 30 आउटपुट का बोलते हैं ना कुछ डिफरेंस पता चल रहा है, क्योंकि जो ऑनक्यो के स्पीकर होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और बात करें यहाँ पे टीवी के साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में, है भाई कौन सी टीवी में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज है साउंड के मामले में, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा साउंड की जो टेक्नोलॉजी है वीयू के सिनेमा वाले टीवी में वहां पे आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ बात करूं वीयू के प्रीमियम सीरीज में, तो वहां पे आपको डॉल्बी ऑडियो प्लस इसी के साथ ही साथ 2 सराउंड का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और जो टीसीएल की सीएट सीरीज है वहां पे भी आपको डॉल्बी ऑडियो प्लस 2 सराउंड देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करें जो टीवी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है अगर आप टीवी को कंपेयर करो, तो यहाँ पे पैनल कौन सा लगाया गया है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो वीयू की जो दोनों टीवी है प्रीमियम और सिनेमा वाले में आपको देखने मिल जाएगा आईपीएस का पैनल, और दूसरी तरफ बात करूँ सीएट सीरीज में तो वहां पे आपको मिल जाएगा वीए पैनल। और जब हम यहाँ पे बात करें पैनल के बारे में, तो हम लोग पिक्चर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी को कैसे भूल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा वीयू वाले यूज करें पिक्सेलियम टेक्नोलॉजी पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, या फिर पिक्चर क्वालिटी जो पिक्चर इंजन है वो वहां पे लगाया है पिक्सेलियम टेक्नोलॉजी वाला, इसी के साथ वीओडी अपस्केलर टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, एसडीआर 10 भी आपको देखने मिलेगा वीयू की टीवीओ में। दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे टीसीएल की सीएट सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे वो यूज कर रहे वाइड गैमेट कलर टेक्नोलॉजी, इसी के साथ साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट इसमें भी देखने मिल जाएगा, एसडीआर प्रो या फिर बोल सकते हो एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा टीसीएल की सीएट सीरीज में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा देखो भाई यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में जो टीसीएल की जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एसडीआर 10 मिल रहा है, और इसी के साथ साथ माइक्रो डिमिंग का फीचर भी आपको टीसीएल सीएट सीरीज दे रही है यहाँ पे, जो आपको प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में देखने नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आप टीवी खरीदने का प्लान करो, क्योंकि एट द एंड आपको डिजाइन कैसे भी मिल रहा है कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के मामले में टीसीएल ने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ पे बात करें तीनों के तीनों टीवी में आपको कितना स्टोरेज मिलता है और कितना रैम आपको यूसेज के लिए मिलने वाला, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो वीयू की जो टीवी है वीयू सिनेमा वाली उसमें 1.5 GB का रैम, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है वीयू की तरफ से सिनेमा वाले सीरीज में, तो यहाँ पे आपको 1.5 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलता है, ये बहुत ज्यादा कम है मेरे हिसाब से। और दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज और टीसीएल C8 में, तो आपको यहाँ पे दोनों सेम ही देखने मिलने वाला है, मतलब आपको 2 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको वीयू की प्रीमियम में भी मिलेगा, इसी के साथ साथ टीसीएल की C8 सीरीज में भी देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो यूसेज है 16 GB का आपको इंटरनल तो मिल रहा है, लेकिन आपको जो यूसेज के लिए आपको 11 GB मिलने वाला है। और दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे वीयू के सिनेमा वाले में, तो वहां पे अगर आपको 8 GB बोलते ना दिया गया है, तो उसमें आपको जो यूसेज मिलने वाला वो समझ लो 5 या 4.5 GB ही मिलने वाला, तो ये बहुत ज्यादा कम है। तो आप अगर आप प्लान कर रहे हो व्यू सिनेमा का, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि आपको एक मेजर फैक्टर जो माइनस पॉइंट है मुझे लगता है इन तीनों टीवी को कंपेयर करते हुए। हमें बात करें प्रोसेसर के बारे में कि भाई ये तीनों टीवी में प्रोसेसर कौन सा लगा है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा वीयू सिनेमा और वीयू प्रीमियम में कॉर्टेक्स A55 का प्रोसेसर लगाया गया, इसी के साथ तो जो GPU है माली 473 है। दूसरी तरफ बात करूं टीसीएल के C8 सीरीज के बारे में, तो वहां पे जो प्रोसेसर लगाया गया है कॉर्टेक्स A55 ही लगाया, लेकिन जो GPU है वो 470 का दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको तीन की तीनों टीवी में देखने मिल जाएगा वाईफाई का सपोर्ट, वाईफाई के थ्रू आप टीवी को कनेक्ट करो और सारे कंटेंट एंजॉय करो। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिविटी का डिफरेंस यहाँ पे निकल गया था वाईफाई को लेके, तो यहाँ पे आपको वीयू की जो सिनेमा टीवी है उसमें आपको सिंगल बैंड वाईफाई देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ बात करूं वीयू की प्रीमियम सीरीज में, वहां पे आपको डुअल बैंड वाईफाई दिया गया, और इसी के साथ साथ C8 सीरीज में भी आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सिनेमा वाली टीवी है एक माइनस पॉइंट में जाती है कि भाई आपको सिंगल बैंड वाईफाई देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए भाई सिंगल बैंड वाईफाई का होता है डुअल बैंड वाईफाई, तो यहाँ पे मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि भाई डुअल बैंड वाईफाई ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू सिंगल वाला। सिंगल वाले में आपको थोड़ा कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत बोलते हैं ना चांसेस है कि डिसकनेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन डुअल बैंड वाईफाई में ऐसा नहीं होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा, मतलब स्पेशली कनेक्टिविटी के बारे में, स्पेशली जब आप इंटरनेट पे या फिर बोलते हैं ना ओवर द वाईफाई कुछ कंटेंट देख रहे हो और अगर स्टॉप हो या फिर इंटरफेरेंस हो तो वो आपको नहीं अच्छा लगे, आपको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, ऑफकोर्स आप टीवी जब देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से डुअल बैंड वाईफाई यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और बात करें यहाँ पे टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आपको अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स के डेडिकेटेड कीज आपको देखने को मिल जाएंगे रिमोट में, इसी के साथ ही साथ
आपको जो व्यू की जो टीवी है उसमें आपको मिलता है आपको एक्टिव वॉइस रिमोट, मतलब वॉइस के थ्रू आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे TCL के C8 सीरीज के बारे में, तो वहां पे आपको एक फार फील्ड बोलते हैं टेक्नोलॉजी वाला रिमोट मिलता है, जिसके थ्रू होगा क्या, तो यहाँ पे आप टीवी का वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो आप वॉइस के थ्रू कर सकते हो। कुछ भी अगर स्मार्ट डिवाइस अगर आपके घर पे जैसे फैन या फिर लाइट लगी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इसी थ्रू, इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको TCL की सीरीज में आपको बोलते हैं ना Amazon Alexa का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, और वहां पे आपको व्यू में ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, मतलब अगर दोनों ही टीवी को कंपेयर किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप गेमिंग के शौकीन हो तो यहाँ पे आपको MEMC का सपोर्ट कौन देने वाला है, TCL C8 सीरीज वाला। तो यहाँ पे आपको व्यू में आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। गेमिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपका उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपको TCL में अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको MEMC का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा या फिर MEMC का चिप इसमें लगा गया है इसी गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सवाल उठता है कि कौन सी टीवी ले, या फिर बोल सकते हैं आपके लिए कौन सी टीवी बेहतर होगी। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा देखो दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको बोलते ना आप टीवी ले रहे हो और टीवी देखना है सिर्फ और बाकी कुछ एप्स वगैरह ज्यादा डाउनलोड नहीं करने, तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप व्यू की सिनेमा टीवी को ले सकते हैं, जहां पे आपको लिमिटेड बोलते ना स्टोरेज मिल रहा है, वो आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको बोलते ना एप्स भी डाउनलोड करने हैं, एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस बोलते ना फुल दबा के लेना है, एप्स डाउनलोड करना है, ये वो सब कुछ करना है, तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज ले लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा स्टोरेज के लिए, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा आप सभी के लिए। अब यहाँ पे बात करें थोड़े से एडवांस फीचर्स के बारे में, जहां पे आप देख रहे हो कि भाई आपको गेमिंग करना है, एलेक्सा का सपोर्ट है, फार फील्ड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, बोलते हैं ना ऑन क्यू की स्पीकर देखने मिलेगा, तो ये सब आपको TCL C8 के सीरीज में देखने मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि एक एडवांस सीरीज का, ये बोलते हैं ना एडवांस लेवल का टीवी ले, तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप TCL की C8 सीरीज को कंसीडर जरूर कीजिए। और यहाँ पे सभी टीवी के वेरिएंट और उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए और वहां से आप परचेस भी कर सकते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और इसी के साथ साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय।